चुनाव आयोग के नाके नीचे फर्जी वोटर बनाने की फैक्ट्री, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। दो दो हजार रुपए में चल रहा है फर्जी वोटों का धंधा, सरकारी अधिकारी उम्मीदवारों से करते हैं फर्जी वोट बनवाने की डील। आज तक पर बेपर्दा हुई लोकतंत्र के लुटेरे, मतदान के दौरान उंगली पर लगी शाही को बिटाने का धंधा, धड़ल्ले से बिक रहा है केमिकल। केमिकल कुछ नहीं होता, नींबू का रस होता है, वो नक्कल को लगा लेना, तुरंत लगा लेने, पकड़ ही नहीं करेगा, हड्डियां लगा दो, पकड़ ही नहीं करेगा, नींबू का रस लगा दो, मतलब लगा के जाए। हम बूथ अफसर पर दावा, 60% असली वोट तो 40% होंगे नकली वोट। हरियाणा के एक मंत्री के खिलाफ मिले सबूत, 35,000 करोड़ फर्जी वोटों के आधार पर हुई जीत। उंगली पर लगी स्याही मिटाने का बिक रहा है केमिकल, हर भारतीय के पास जाता है स्याही मिटाने वाला केमिकल। तस्वीर एक नाम अलग और वोटर कार्ड कई, बस उम्र बदलकर एक ही तस्वीर के वोटर। बीएलओ बनवा रहे दो दो हजार रुपए में नए वोट, एक एक वोट पर 200 रुपए डिस्काउंट का भी दावा। आज तक के ऑपरेशन से खुली चुनाव आयोग की आंख, आज तक से मांगी सीधी, आज होगी जांच। सोनिया गांधी के लिए आज का अहम दिन, रायबरेली से दाखिल करेंगी पर्चा। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली से पहुंचेंगी फुर्सतगंज हवाई अड्डा, 11 बजे आईटीआई फैक्ट्री का चलेगा सोनिया का काफिला। आईटीआई से डीएम ऑफिस तक के 3 किलोमीटर के सफर में होगा भारी जुलूस, रायबरेली के अलावा आसपास के जिलों से भी होंगे कार्यकर्ता। राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी होंगे साथ, जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर सोनिया भरेंगी पर्चा। इंदिरा गांधी की परंपरा को निभाएंगी सोनिया गांधी, रायबरेली पहुंचकर गुरुजी भवन में करेंगी पूजा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर बेनी प्रसाद वर्मा ने बोला हमला, कहा आरएसएस के गुंडे हैं मोदी। मोदी भारत का सबसे बड़ा गुंडा है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह की भाषा। मोदी पर ही नहीं रुके बेनी प्रसाद वर्मा, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी बता डाला मोदी का गुलाब। मोदी ओके गुलाब राजनाथ, स्टील मंत्री ने कहा पिछले चुनाव में आडवाणी से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ मोदी बन गए पीएम उम्मीदवार। बिहार में आज मोदी की 2 रैली, नीतीश के गढ़ में मोदी देंगे चुनौती। नवादा और बक्सर में है मोदी की रैली, नवादा से गिरिराज सिंह और बक्सर से अश्वनी चौबे हैं बीजेपी से उम्मीदवार। झारखंड के कोडरमा में सुबह 11 बजे शुरू होगी रैली की पहली रैली, उसके बाद पलामू में दहाड़ेंगे मोदी। बीजेपी पहली बार दिल्ली का बनाएगी अलग से घोषणा पत्र, आज जारी होगा दिल्ली का घोषणा पत्र। इसी हफ्ते बीजेपी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, कांग्रेस मैनिफेस्टो आने के बाद बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सभी की निगाह। चुनाव में अब शब्दों के लिए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, का शुरुआत उसी ने की है। आज भाषा बुरी लग रही है, जब ये कहा गया था जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त लाएगा, तब भाषा नहीं सोची थी। आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं का आजम खान ने किया बचाव, कहा चुनाव बाद खत्म हो जाएंगे सारे केस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी डिजाइनर सूट और मेकअप पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा। हर मीटिंग के लिए डिजाइनर सूट, बंदा जो है गाड़ी को भी अलग अलग तरीके से रोज चेंज करवा रहा है, मेकअप मैन भी साथ है। राहुल गांधी ने बिहार में की पहली रैली, औरंगाबाद में बीजेपी पर बोला हमला। राहुल ने कहा बीजेपी के साथ है शिवसेना और अकाली दल, लेकिन गुजरात में सिखों और महाराष्ट्र में बिहारियों पर होता है अत्याचार। गुजरात में
बिहार की पहली चुनावी रैली में लालू यादव से बनाए रखी राहुल ने दूरी, रैली में नहीं नजर आया आरजेडी का बैनर। बिहार कांग्रेस ने कहा राहुल या सोनिया गांधी किसी और नेता के साथ नहीं साझा करेंगे मंच, लालू के साथ दूरी बनाकर रखना चाहते हैं राहुल। हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारखंड के गुमला में राहुल की रैली रद्द, रांची हवाई अड्डे पर खराब हुआ राहुल का हेलीकॉप्टर। चुनाव प्रचार के दौरान वरुण का जागा भाई प्रेम, कहा सुल्तानपुर में वैसे ही काम करना चाहता हूं जैसा राहुल अमेठी के लिए किया। और 2013 के हिंदुस्तान में हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे राहुल जी ने अभी सफलतापूर्वक। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन का कपिल सिब्बल पर आरोप, निजी टेलीकॉम कंपनी को पहुंचाया 650 करोड़ का फायदा। आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला पर आरोप, चुनाव के दौरान टेंट लाइट और साउंड वालों का बकाया 225,000 नहीं चुकाया। चुनाव से पहले बीजेपी को मिला एक और सहयोगी, बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का आज हुआ ऐलान। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को मिली 8 सीटें, सीमांध्र में बीजेपी के खाते में 5 सीटें। फरुखाबाद में एसपी नेता ने एसडीएम के साथ की अभद्रता, लोकसभा उम्मीदवार के नामांकन के लिए अंदर जाने से रोका तो गुस्सा आ गया। बाद में बात करेंगे। नहीं हमें पता तो बताओ, नामांकन की जगह पर काम करने की क्षमता नहीं बनता, जिम्मेदारी की जगह खड़ा कर दिया पागल। जय जय आप तो सबकी निकल जाने थे जिसकी चाहो। अरे सबकी निकल जाएगी, क्या मतलब। चांदनी चौक के बाद आज पूर्वी दिल्ली में केजरीवाल का रोड शो, राजमोहन गांधी के लिए मांगेंगे वोट। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप के 3 दोषियों पर आ जा सकता है फैसला, 3 दोषी फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के हैं गुनहगार। आईपीसी की धारा 376 ई के तहत अदालत सुनाएगी फैसला, इस धारा में सजाए मौत का है प्रावधान। टेलीकॉम ऑपरेटर से गैंगरेप के 4 दोषियों को अदालत सुना चुकी है उम्र कैद की सजा, उनमें से 3 अभियुक्त, 2 गैंगरेप के दोषी। नीतीश कटारा मर्डर केस में आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, करीब 1 साल से सुरक्षित रखा है फैसला। निचली अदालत 3 लोगों को सुना चुकी है उम्र कैद की सजा, विकास, विशाल और सुखदेव यादव काट रहे हैं उम्र कैद। समाजवादी पार्टी आज जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, वोटरों को लुभाने के लिए कर सकती है बड़ा वादा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया था मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा, चुनाव से मिला था पूर्ण बहुमत। जालंधर के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश पदम ने लौटाया टिकट, जिला इकाई थी नाराज। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने राजनीति शास्त्र पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पूछे 44 नंबर के सवाल, मोदी शिवसेना और अकाली दल पर भी सवाल। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत, शराब पीकर मंदिर जाने और प्रचार करने का आरोप। गाजियाबाद में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, मोदी की रैली के लिए परमिशन नहीं मिलने पर किया विरोध। रैली के लिए प्रशासन की शर्त, 35,000 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भीड़, इतनी ही है मैदान की क्षमता। मध्य प्रदेश के सिवनी में मुलायम सिंह की रैली, कहा मेरे भाषण से डर गए हैं मोदी। कानपुर में शिवप्रकाश जायसवाल और मुरली मनोहर के खिलाफ लड़ेगा तात्या टोपे का पुत्र, स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं विनायक राव टोपे। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में उतरे सलमान खान, गुरदास कामत के समर्थन में जारी किया वीडियो। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में जेटली का किया प्रचार, नवजोत के प्रचार में नहीं उतरने पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी की संभल में मोनिका बेदी ने किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद के लिए मांगा वोट। नागपुर में नितिन गडकरी का चुनाव प्रचार करने पहुंची हेमा मालिनी, बीजेपी नेता को भारी मतों से जिताने की अपील। मुंबई में उद्धव ठाकरे की रैली, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के रजौरी में उमर अब्दुल्ला की रैली, कहा मोदी अभी तक नहीं दे पाए हैं 2002 का हिसाब, देख रहे हैं पीएम बनने के सपने।
भोपाल की डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर पूनम रॉय को मेरी जमानत 10 लाख की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। जमानत की खुशी पर इनकम टैक्स ने फेरा पानी, रिश्वतखोरी पर पूनम रॉय को किया सस्पेंड। पूनम रॉय के पति और बीजेपी नेता गणेश माल में भी हुए थे गिरफ्तार, बीजेपी दिखा चुकी है बाहर का रास्ता। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 135 करोड़ रुपए कीमत की हीरोइन बरामद। बीएसएफ ने हीरोइन के 28 पैकेट बरामद किए, चुनाव में इस्तेमाल के लिए जताई गई आशंका। लुधियाना पुलिस ने एक ट्रक अवैध शराब पकड़ा, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पुलिस कस्टडी में, युवक की मौत, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। शव को हाईवे पर रखकर 5 घंटे लगाया जाम, मृतक को चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, 6 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। इंदौर की पुलिस ने 307 के आरोपियों पर निकाला जुलूस, सरेआम पीटा बदमाशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम। दिल्ली के शक्तिनगर में जलबोट की खुदाई में आईजीएल की पाइपलाइन लीक, 1.5 घंटे बाद रोका जा सका रिसाव। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डुबिनी ने भारतीय स्पिनर्स की तारीफ, कहा अच्छा प्रदर्शन करना होगी चुनौती। कपिल देव ने टीम इंडिया को किया सावधान, कहा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ पाकिस्तान, पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज ने दी 84 रनों से मात। वेस्टइंडीज ने बनाए थे 166 रन, जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 82 रनों पर ढेर। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल हुए तय, श्रीलंका से भिड़ेगा वेस्टइंडीज तो 4 अप्रैल को भारत दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा सेमीफाइनल। रामपुर उतरे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर कलेक्शन किया पेश। मनीष के लिए रामपुर लगा सितारों का मेला, फरहान अक्षर रणवीर भी थे मौके पर मौजूद। मराठी फिल्म येलो की स्क्रीनिंग पर पहुंचे सलमान खान, हौसला अफजाई के लिए रितेश देशमुख भी पहुंचे। फिल्म हवा हवाई का प्रोमो हुआ लॉन्च, लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद थी फिल्म के स्टार कास्ट। चिली में तेज भूकंप के झटके, भूकंप के चलते उत्तरी समुद्री किनारे पर सुनामी जैसे हालात, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी 8।